प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक अंतिम वर्ष की कक्षा में आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मैं गुट निरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आपको करवा रहा था। आज हम इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। आज की परिस्थितियों में इसकी क्या आवश्यकता और महत्व है। गुट निरपेक्षता के आधारभूत सम्मेलन शिखर सम्मेलन होते हैं और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके दो शिखर सम्मेलनों में नहीं गए। यद्यपि नरेंद्र मोदी विदेश यात्राओं की सक्रियता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने 2017 के वेनेजुएला में आयोजित मार्गरिटा सम्मेलन में भाग नहीं लिया और भारत का प्रतिनिधित्व भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति ने किया तथा 2019 में अजरबैजान के बाकू में आयोजित गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया और इसमें भी हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति ने प्रतिनिधित्व किया। इनसे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री वर्तमान सरकार गुट निरपेक्ष आंदोलन की समकालीन प्रासंगिकता को अधिक महत्व नहीं देती। अगर हम भारत सरकार की वर्तमान विदेश नीति का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार यथार्थवादी विदेश नीति पर ज़्यादा बल दे रही है। आर्थिक पक्षों पर, आर्थिक विकास पर और पड़ोसी देशों के तथा रक्षात्मक सुरक्षात्मक पक्षों पर अधिक बल दे रही हैं और ऐसे में गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसे काल्पनिक पक्षों पर अधिक महत्व नहीं दे रही। ये एक तथ्य है, ये एक सत्य है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में चाहे 120 देश सदस्य हो, लेकिन वे केवल इकट्ठे होते हैं और उनकी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का कोई विशेष महत्व नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक सदस्य पाकिस्तान भी है जो भारत विरोधी नीति या प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत विरोध करना उसका लक्ष्य है। तो अतः वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन की समकालीन प्रासंगिकता भी एक प्रमुख पक्ष है। हम समकालीन प्रासंगिकता का जब से आरंभ हुआ विश्लेषण करेंगे। जब 1991 में गुट निरपेक्ष शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो अमेरिका का दृष्टिकोण था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी अब आवश्यकता नहीं है, समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का दृष्टिकोण था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में है और इसका महत्व है, इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव ने जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित 1992 के शिखर सम्मेलन में इस बात पर बल दिया कि जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय पक्ष हैं, आर्थिक पक्ष हैं, उनको गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रयास किया कि समकालीन प्रासंगिकता के दृष्टिगत गुट निरपेक्षता का उपयोग आर्थिक क्षेत्र में अधिक करें और
उत्तर दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण संवाद और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के दृष्टिगत पीवी नरसिम्हा राव ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के मंच से इस प्रश्नों को उठाया और इसके लिए प्रयास किया। दक्षिण के देशों के विकास, पिछड़े देशों के आर्थिक विकास। यदि हम पीवी नरसिम्हा राव काल की विदेश नीति का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि उनका काल, उनका प्रधानमंत्री काल परिवर्तनों का काल था। वे अमेरिका के निकट आए थे। भारत की विदेश नीति का संचालन अमेरिकी प्रभाव से भी संचालित होने लगा था, क्योंकि सोवियत संघ विघटित हो गया था। परंपरागत नीति से हटकर इजराइल को मान्यता दी, इजराइल से राजनयिक संबंध स्थापित किए। यद्यपि मान्यता तो नेहरू के समय मिल गई थी, लेकिन राजनयिक संबंध उपेक्षित से रहे थे और नरसिम्हा राव ने इजराइल से मित्रता शुरुआत की। इसमें कहीं न कहीं अमेरिका का प्रभाव था, दबाव था, विशेषकर भारत की कमजोर आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत ये दबाव भी अधिक था। इसी के साथ भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर किए और WTO का जो डंकल प्रस्ताव था उस पर भी हस्ताक्षर किए। निश्चय ही पीवी नरसिम्हा राव अपने प्रारंभिक काल में अमेरिका के दबाव में अधिक थे, आर्थिक पक्ष के कारण अधिक दबाव में थे, लेकिन वे उन्हें विदेश नीति के संचालन का राजनीतिक दृष्टि से लंबा अनुभव था और उन्होंने इस दबाव के बीच में भी परिस्थितियों में वे झुके, लेकिन गुट निरपेक्षता का प्रयोग उन्होंने अमेरिकी दबाव के प्रतिरोध के लिए भी किया और काफी सफलता भी प्राप्त की। अर्थात गुट निरपेक्षता के मंच के माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया कि वे अमेरिका के दबाव में अधिक नहीं आने वाले हैं। और यदि हम जो पीवी नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्री काल है 1991 से लेकर 1996 तक, प्रारंभिक काल में प्रधानमंत्री दबाव में थे, लेकिन उसके अंतिम वर्षों में वे दबाव को काफी कम करने में सफल रहे। इसमें उनके गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो भूमिका थी, बदलते हुए परिवेश में जो प्रयोग किया था उसके प्रभाव स्वरूप उन्हें ये सफलता प्राप्त हुई। और अंतर्राष्ट्रीय मंच के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया तथा अमेरिका के अनुरोध के बावजूद भी उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाए रखा। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में 1991 से 96 तक गुट निरपेक्ष आंदोलन की समकालीन प्रासंगिकता थी। आगे चलकर डर्बन सम्मेलन में देवगौड़ा प्रधानमंत्री काल और इंद्र कुमार प्रधानमंत्री काल थे। आगे चलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार आई। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 के क्वालालंपुर मलेशिया में आयोजित सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। निश्चय ही ये उनकी लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट की नीति, जो पूर्वी एशिया के देश हैं, एशियान के देश, उनको महत्व देने, उनसे आर्थिक संबंध बढ़ाने की जो प्रयास था उसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन भी
महत्वपूर्ण माध्यम रहा। आगे चलकर अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन की समकालीन प्रासंगिकता बनी रही और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री काल में 2006 में हवाना क्यूबा में सम्मेलन आयोजित हुआ। 2009 में मिस्र के काहिरा में आयोजित हुआ और 2012 में तेहरान ईरान में गुट निरपेक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ। ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री काल के गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन है। इनमें तत्कालीन प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधित्व किया और गुट निरपेक्ष आंदोलन की धारा एक सामान्य रूप से संचालित होती रही। लेकिन नरेंद्र मोदी का कार्यकाल परिवर्तित विदेश नीति का कार्यकाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना, राष्ट्र के तीव्रगामी विकास को बल देना और इसमें परंपरागत नीतियों से हटकर नरेंद्र मोदी ने काम किया है। इस के दृष्टिगत गुट निरपेक्षता उपेक्षित सारा है और लेकिन फिर भी भारत सरकार की विदेश नीति के रूप में इसे संचालित किया जाता है। वर्तमान समय में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का कार्यकाल देखें तो जो प्रथम कार्यकाल का 2014 से 19 तक उसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी। यद्यपि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री के रूप में अनेक श्रेष्ठताओं की लिए जाने जाती है लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन की दृष्टिगत उनका भी कोई विशेष रुचि नहीं थी। वर्तमान समय में हमारे जो नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल है इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर जो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी और चीन में राजदूत रहे इस समय विदेश मंत्रालय सभा के मंत्री हैं और ये सिद्ध करती है कि संसदीय लोकतंत्र से अलग हटकर नरेंद्र मोदी ने एक एक्सपर्ट अथवा विभाग के कुशल व्यक्ति को ये दायित्व प्रदान किया है। तो लेकिन हम जो गुट निरपेक्षता के मामले में उनकी भी कोई रुचि नहीं देखते हैं लेकिन ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की घटती हुई प्रासंगिकता है। लेकिन वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंध बदलते हुए परिवेश में हैं लेकिन सरकार ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की समकालीन प्रासंगिकता है कि सरकार ने इसे समाप्त नहीं किया है, इसे बनाए रखा है और विद्यार्थियों के लिए अगर वे वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना चाहते हैं तो स्वाधीन भारत के की जो विदेश नीति है उसमें गुट निरपेक्षता को समझना अत्यंत आवश्यक है। तभी आप संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और विदेश भारतीय विदेश नीति को समझ पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन को पढ़ना है, गुट निरपेक्ष आंदोलन को समझना है कि समकालीन समय में महत्व कम है लेकिन इतिहास में एक महत्वपूर्ण गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका रही है। धन्यवाद।